हेलो दोस्तों, आज हम आपको विश्व के उन शीर्ष 10 खतरनाक हवाई अड्डों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर जहाज उतारना बहुत मुश्किल है। इन हवाई अड्डों को अत्यधिक ऊंचाई पर या नीचे होना, जटिल लोकेशन या वातावरण और छोटे रनवे पर सही ऊंचाई पकड़ना आदि सब कुछ बेहद खतरनाक है। इन हवाई अड्डों या पट्टियों पर किसी भी जहाज को उड़ाना पायलटों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सवा हवाई अड्डा, जो कि नीदरलैंड के 28 मील दूर दक्षिण में सवा टापू पर स्थित है। और सवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे दुनिया के सभी हवाई अड्डों के रनवे से छोटा है और इसकी कुल लंबाई 400 मीटर मतलब 1300 फीट है। और इस हवाई अड्डे की लैंडिंग पुट्टी अद्भुत और चुनौतीपूर्ण है। नंबर 2, तोकांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहाँ सुरक्षित लैंडिंग के लिए पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है और यह समुद्र तल से 3294 फीट मतलब 1004 मीटर ऊपर की एक घाटी में स्थित है। तोकांसी हवाई अड्डे पर विमानों को उतारने के लिए 45 डिग्री कोण पर 7000 फुट नीचे घाटी में स्थित हवाई पट्टी तक पहुंचना पड़ता है। आसपास के पहाड़ी इलाके की वजह से यात्रियों को हवाई पट्टी पर उतरते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लगातार तेज हवाओं के चलने से पायलट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, लंगार्डिया इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। और यहाँ लैंडिंग करते समय बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और लंगार्डिया हवाई अड्डे का रनवे 7000 फुट लंबा और इसको 196 फुट और अधिक बढ़ाया गया है, जो कि पानी के ऊपर से है। और हवाई अड्डे के स्थान पर तिरछी नज़र से देखें तो पता चलता है कि यह मिडटाउन मैनहट्टन के शहर से सिर्फ 8 मील की दूरी पर स्थित है। नंबर 4, कुर्चेवेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि फ्रांस में स्थित है। और यह सिर्फ 525 मीटर लंबा और रनवे को 18.5% ढलान दी गई है, जो कि हवाई अड्डे पर उतरने और उड़ान भरने के समय पायलट के सामने बहुत खतरनाक परिस्थितियां पैदा करती हैं। नंबर 5, वेलिंगटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। और यह 6351 फुट रनवे से शुरू होता है और यह नीले पानी में खत्म हो जाता है। वेलिंगटन हवाई अड्डा देखने के लिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन उड़ान भरने के लिए बहुत ही मुश्किल है। नंबर 6, काइटक एयरपोर्ट, जो कि हांगकांग में स्थित है। और इस एयरपोर्ट में उतरने और टेक ऑफ करना खुद को जोखिम में डालने जैसा है। और एयरपोर्ट के नज़दीक लोगों की भीड़ और आसपास की ऊंची बिल्डिंग यहां उतरने में सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं। नंबर 7, लुक्ला हवाई अड्डा, जो कि नेपाल में स्थित है। और इस हवाई अड्डे को तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और इस हवाई अड्डे का नाम दो पुरुषों के नाम पर रखा है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त की थी। नंबर 8, अंटार्कटिका एयरपोर्ट, जो कि सबसे ठंडा स्थान है। और अंटार्कटिका में कोई पक्का रनवे नहीं है और लैंडिंग करते समय सिर्फ बर्फ की लंबी पट्टी ही दिखाई देती है और उस पे लैंडिंग करना चुनौतीपूर्ण है। नंबर 9, प्रिंस जूलियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। और यह हवाई अड्डा कैरेबियन के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। और इस हवाई अड्डे की लंबाई 7150 फीट से भी कम है और बड़े विमानों को उड़ान भरने के लिए कम से कम 10000 फीट की आवश्यकता होती है और सुरक्षित लैंडिंग करने के लिए कम से कम 8000 फुट की जरूरत होती है। नंबर 10, पारो हवाई अड्डा, जो कि भूटान में स्थित है। और यह हिमालय हवाई अड्डों में से सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में शीर्ष पर है और केवल 8 पायलट ही यहां विमान उतारने में सफल हो पाए हैं। और समुद्र के स्तर से 1.5 मील की दूरी पर है और ऊपर से 18000 फुट ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है और रनवे सिर्फ 6500 फुट लंबा है। पारो हवाई अड्डा दुनिया का सबसे खतरनाक लैंडिंग हवाई अड्डा है। पारो हवाई अड्डा हिमालय की खड़ी पहाड़ियों के बीच बसी दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा माना जाता है। आपको कौन सा हवाई अड्डा सबसे खतरनाक लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।